नया था कि ट्विन टावर आखिर क्यों गिराया गया, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन थी या फिर कोई इंजीनियरिंग एरर। आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 9 सेकंड के अंदर 700 से 800 करोड़ रुपए की वैल्यू वाले ये दोनों टावर तहस नहस हो गया। इन दोनों टावर को गिराने में लगभग 17.55 करोड़ रुपए लगे थे। दोनों टावर में लगभग 950 फ्लैट बन चुके थे और आधे से भी ज्यादा फ्लैट बुक भी हो गए थे। लेकिन सवाल है, गिराया क्यों गया, क्या रीजन थी इसके पीछे, तो सुनो ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये गिराया गया। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूँ तो ये टावर इलीगल तरीके से बनाया गया और कोर्ट के ऑर्डर्स में कहा गया कि इन दोनों टावर्स के बीच एक सुइटेबल डिस्टेंस होना चाहिए जो कि इन दोनों टावर्स में नहीं थी। जैसा कि ये दोनों टावर नोएडा अथॉरिटी के गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसीलिए इन दोनों टावर्स को कंपनी के अपने पैसों से गिराना पड़ा। मतलब पहले अपने पैसों से बनाओ, फिर अपने ही पैसों से इनको खत्म कर दो। क्या आपने कभी सोचा है ओनर की हालत, यानी कि इस दोनों बिल्डिंग के मालिक की हालत कैसा होता होगा? जिन्होंने फ्लैट को बुकिंग की थी उनको 12% इंटरेस्ट के साथ अपने पैसा रिफंड मिल गया। एक छोटी सी गलती के लिए हजारों करोड़ों रुपया चंद सेकंड में खत्म हो गए। देखिए ये सीन कितना खतरनाक है जो कि गिरा गया है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि कभी भी आपके भाई इस तरह की वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए और आप अपने फ्रेंड को बता सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट पर ट्विन टावर लिख के जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।